नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम सभा में। और आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो CGPSC का पेपर हुआ था 17 फरवरी 2019 को, उसका जो क्वेश्चन नंबर 61 है उससे लेके 70 तक जो है डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके पहले जो है हमारे टोटल 6 वीडियो आ चुके हैं जिसमें आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 60 तक जो है हमने डिस्कस कर रखा है। तो अगर आपने हमारे उस पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सेट है वो बी सेट है आपका CGPSC 2019 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 61 जो आपका दे रखा था वर्ष 2020-13 से 2017-18 की अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने में किस क्षेत्र की प्रमुख भूमिका थी। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो आपका 2012-13 और 2017-18 के बीच का है, उस टाइम पीरियड में आपका जो आपका इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक ग्रोथ है यानी जो औद्योगिक आर्थिक वृद्धि दर है उसको बढ़ाने में कौन सा जो है आपका जो क्षेत्र है या कौन सा जो आपका फील्ड है सबसे ज़्यादा आपका जो है इम्पोर्टेंस निभाता है। तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, खनन एवं उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत गैस एवं जल आपूर्ति और निर्माण। इंग्लिश में आप देख सकते हो माइनिंग एंड क्वेरी, मैनुफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई और चौथा आपका कंस्ट्रक्शन। तो आपका जो चार ऑप्शन दे रखा है उसमें आपका जो है मैनुफैक्चरिंग जो है यानी कि विनिर्माण है वो आपका सही आंसर है। यानी कि जो मैनुफैक्चरिंग मतलब बहुत सारे प्रोडक्शन होते हैं इंडस्ट्रीज में, उसका जो है सबसे ज़्यादा शेयर रहा था। तो आपका आंसर इसके हिसाब से जो है बी सही होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 61 का आंसर बी है। और इसमें लिखा गया है कि जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ जो आपकी होती है द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP ऑफ छत्तीसगढ़ ग्रो बाई 6.7% इन 2017-18 ओवर द प्रीवियस ईयर। आपका जो पिछला साल था उससे जो है आपका जो GSDP है यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो आपका 6.7% जो है इंक्रीज हुआ है। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपका जो है एक तरह से GDP ही होता है लेकिन स्टेट का GDP होता है। तो आपका जो है 6.7% है। और सेक्टरल ग्रोथ की बात करें तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है मैनुफैक्चरिंग हैव द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन 48% टू GSDP। मतलब आपका जो 48% है जो आपका मैन्युफैक्चरिंग से आया है केवल, और ये आपका माना जाता है कि एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाई 5.8% इन 2017-18। तो आपका जो है आपका 5.8% जो है इसका टोटल हुआ है। तो इसे आप जान सकते हो कि आपका जो ऑप्शन बी सही है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है 62। तो इसमें पूछा गया है आपको कि वर्ष 2016-17 में इस राज्य में खनिजों से प्राप्त राजस्व आय को अधिकतम करने में किस खनिज की महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब ये है कि जो आपका यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं और इन ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका 2016-17 में राज्य में जो खनिज प्राप्त हुए हैं उसमें जो आपका रिवेन्यू कलेक्ट हुआ है कौन सा सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है। तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए हैं, कोयला, लाइमस्टोन, आयरन ओर और बॉक्साइट। तो इसका जो आंसर है वो आपका कोयला यानी कोल है आपका, यानी आंसर ए आपका सही है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मिनरल रिच स्टेट कंट्रीब्यूट्स 16% ऑफ द मिनरल प्रोड्यूस इन द कंट्री। आपका जो छत्तीसगढ़ स्टेट है उसको मिनरल रिच बोला जाता है स्टेट, और ये आपका जो है 16% कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के जो टोटल मिनरल प्रोडक्शन है उसमें। और अगर बात करें कि कितने तरह के खनिज पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट में, तो आपका जो है द स्टेट हैव बीन इंडोर्ड विद 28 टाइप्स ऑफ मिनरल। आपके जो है 28 तरह के मिनरल यहाँ पे छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, विच इंक्लूड डायमंड, कोल, आयरन ओर, लाइमस्टोन, बॉक्साइट, डोलोमाइट एंड टीन ओर। उसमें से आपके कुछ नाम दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे आपका है डायमंड, कोल है, आयरन ओर हो गया, लाइमस्टोन हो गया, बॉक्साइट हो गया, डोलोमाइट हो गया। ये तो आपका एक तरह से मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया। जो आपका मेन पोर्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए द प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक गोल्ड टॉप द लिस्ट। ब्लैक गोल्ड का मतलब आपका होता है काला सोना यानी कि कोयला। कोयले को जो है काला सोना भी बोला जाता है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है जो भी आपका प्लांट हो गया इसको चलाने में या फिर और भी पावर जनरेशन में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कोयला। और आपका जो है 16.36% ऑफ द टोटल डिपॉजिट जो है कोयले से ही आता है। तो आपका जो है टोटल इतना मिलियन जो है आपका रिजर्व है टोटल आपका जो है कोयले का। क्वेश्चन नंबर 63 में आपसे पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के मड़वा, तेंदुभाटा ताप विद्युत गृह, जांजगीर चांपा की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी था क्योंकि इसका क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो है काफ़ी कम लोगों को पता होगा शायद ही। तो इसका जो आंसर है आपका वो 1000 मेगावाट, यानी कि आंसर जो है सी है। तो आपका जो है आंसर इसका सी है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मड़वा तेंदुभाटा थर्मल पावर स्टेशन जो आपका भेल के द्वारा बनाया गया है इज एन अपकमिंग कोल फायर्ड पावर स्टेशन एट मारवाड़ विलेज। जो आपका है अभी आने वाला है, अभी आया नहीं है, और ये आपका जो होगा वो जांजगीर चांपा में बनाया जाएगा, छत्तीसगढ़ जिले में, छत्तीसगढ़ स्टेट में जांजगीर चांपा नाम का जिला है वहाँ पर बनाया जाएगा।
और द पावर स्टेशन इज ऑन्ड बाय छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी। आपका जो ये पावर स्टेशन होगा वो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी जो है उसको जो ओन करेगी, और इसमें जो है आपका स्टेट भी होगा कुछ पार्ट में। तो यहाँ पे जो आपका आंसर दिया है कि देखिए जो टोटल कैपेसिटी है उसकी 1000 मेगावाट है, यानी 500 के दो जो है यहाँ पे प्लांट लगाए गए हैं, तो टोटल आपका जो है पावर जनरेशन होगा 1000 मेगावाट। तो आपका आंसर जो है आपका 1000। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, 63 का आंसर सी। उसके बाद आपका आता है 64, छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो आपका जो है तापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, सोलर ऊर्जा यानी पवन ऊर्जा, थर्मल प्लांट, हाइड्रो पावर, सोलर पावर और विंड पावर। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो आपका है ए, यानी तापीय ऊर्जा, यानी जो सबसे ज़्यादा आपका जो होता है वो आपका आपका जो कोयले से उत्पादन होता है, तो आपका तापीय ऊर्जा इसका आंसर सही है, यानी 64 का ए। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कि कोल इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन छत्तीसगढ़, अपार्ट फ्रॉम द कोल थर्मल पावर, हाइड्रो पावर, जियो थर्मल पावर एंड रिन्यूएबल सोर्सेज कॉन्स्टिट्यूट द एनर्जी रिसोर्स ऑफ छत्तीसगढ़। आपका जो कोल है एक इंपॉर्टेंट मेजर सोर्स है छत्तीसगढ़ का, और कोल के बाद जो है आपका हाइड्रो पावर भी है, जियो थर्मल पावर भी है, और भी बहुत तरह के जो है रिन्यूएबल सोर्सेज जो है अवेलेबल है छत्तीसगढ़ में। तो आपका 64 का ए आंसर जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसको पढ़ने में काफ़ी टाइम निकल जाएगा, तो मैं आपको सिर्फ इसका आंसर बताऊंगा। तो इसका आंसर जो है आपका वो डी है, यानी एक महिला सरपंच ग्राम पंचायत और जनपद पंचायतों की बैठकों में भाग लेने के लिए अपने पति को नामित नहीं कर सकती है। अ वुमेन सरपंच कैन नॉमिनेट हर हस्बैंड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ ग्राम पंचायत एंड जनपद पंचायत। मतलब कोई भी महिला सरपंच है जो आपकी, वो आपका अपने पति का नाम कभी नहीं दे सकती है। तो आपका जो आंसर होगा आपका वो होगा डी, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो यहाँ लिखा है छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी मैया सहकारी चीनी उत्पादक फैक्ट्री मर्यादित की स्थापना किस जिले में की गई थी? इन विच डिस्ट्रिक्ट दंतेश्वरी मैया कोऑपरेटिव शुगर प्रोड्यूसर फैक्ट्री लिमिटेड इज एस्टेब्लिश्ड इन सीजी। तो आपका सही आंसर है इसका बलोद, यानी सी। कई लोगों ने इसको दंतेवाड़ा में जो है मतलब आंसर लगा दिया है, तो थोड़ा गलत है, क्योंकि दंतेवाड़ा जो है आपका वो एक नक्सल प्रभावी इलाका है, तो ऐसी क्षेत्र में अगर फैक्ट्री लगाते हैं तो थोड़ा रिस्क वाला काम है। तो आपका जो है आपका बालोद जो है सही है, यानी सी। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो एक ग्राम पंचायत के लिए निर्वाचन 20 जनवरी 2014 को हुआ, इसका पहला सम्मेलन 10 फरवरी 2014 को बुलाया गया, इसके बाद 20 फरवरी 2016 को ग्राम पंचायत विघटित कर दी गई, नई ग्राम पंचायत के लिए चुनाव 15 मई 2016 को हुए थे, और इसका पहला सम्मेलन जो है 25 मई 2016 को बुलाया गया था। इस नवगठित ग्राम पंचायत का कार्यकाल क्या हुआ? जैसा कि आप जानते हो कि किसी भी जो ग्राम पंचायत का कार्यकाल जो है 5 साल का होता है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी पंचायत शैल कंटिन्यू फॉर 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। मतलब ऐसा है कि कोई भी पंचायत जो है आपकी जो उसकी पहली मीटिंग होती है यानी पहला सम्मेलन होता है उससे जो है 5 साल तक वो चलती है। तो आपका जो क्वेश्चन में है वो 10 फरवरी को जो है आपकी पहली मीटिंग हुई थी, तो उस तारीख से लेकर 5 साल तक की तारीख तक जो है आपकी वो पंचायत चलेगी। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इसमें जो है आपका बीच में जो है आपकी विघटित कर दी गई, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, जो आपकी डेट होगी वो वही होगी, यानी कि आपका आंसर जो है बी सही है। तो आपका जो आंसर है वो आपका है 10 फरवरी 2019, आपका आंसर बी जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो इसमें जो है आपका लिख रखा है कि एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं, ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है, ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। तो इसमें जो है आपको 5 तरह के ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है सही वाला कौन सा जो है आपका ऑप्शन है। तो इसमें जो इसमें भी आपको 4 तरह के ऑप्शन दिए हैं, तो आपका जो ऑप्शन डी है वो सही है, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा। तो आप देख सकते हो पहला, दूसरा और चौथा कौन सा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको जो है सेट कर लोगे। अगर क्वेश्चन नंबर आपके 69 की बात करें तो इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन एक विशेष पिछड़ी जनजाति है, तो इसमें आपका है कंवर, हलबा, मुरिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो आपका है हलबा, यानी बी, बी जो आपका ऑप्शन है सही है। उसके बाद अगर बात करोगे 70 क्वेश्चन नंबर 70 की, तो हलबी किस भाषा परिवार से संबंध है, तो इसमें जो है आपका आंसर ए सही है, यानी कि आर्य, यानी आर्यन जो है आपका सही आंसर है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हलबी ऑल्सो बस्तरी, हलबा, हलवास, हलबी, हलबी, महारी, मेहरी, ये सभी जो है नाम है, और एक ईस्टर्न इंडो आर्यन लैंग्वेज है जो उड़िया और मराठी के बीच में जिसका ट्रांजिशन माना जाता है। तो ये जो है आपके सारे क्वेश्चन हमने बताए आपको 61 से 70 तक। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो अपन इसमें क्वेश्चन बता रहे हैं कि आपको उसमें ये नोटिस करना है कि जो एक पैटर्न आता है परीक्षा का वो किस तरह का आता है। ज़्यादातर छत्तीसगढ़ आप जानते हैं ट्राइबल एरिया है, तो यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपके यहाँ की जो कल्चर है वहाँ से रिलेटेड आते हैं, और आगे के जो क्वेश्चन आएंगे इसी तरह का पूछा गया है।
जैसा कि आप जानते हो कि एक जो है एक बहुत ही अच्छी तरह से इंडस्ट्री जो डेवलप हो रही है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, क्योंकि यहाँ पे कोल के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए भी जो है यहाँ का जो है पेपर जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि कल्चरल और एक तरह से इंडस्ट्रियल जो एरियाज हैं उनको कवर करता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो आपका एक तरह से एक तो इंडस्ट्रीज जो डेवलप हो रही हैं यहाँ पे उनके बारे में आ सकता है, या फिर यहाँ का जो कल्चर है ट्राइबल कल्चर है उसके बारे में आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है और आपका जो है फोकस ये होना चाहिए कि पैटर्न क्या है, ना कि आंसर पे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इसके बाद के क्वेश्चन हैं वो आप अगले वीडियोज़ में देख पाओगे, हमारे जो क्वेश्चन नंबर 71 उसके अपवर्ड्स जो भी ऑनवर्ड्स जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप अगले वीडियो में देखोगे। तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए और भी हमारे वीडियोस आते रहते हैं उनको देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।